श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और तब हमारे पास पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहता। आप अपने जीवन में समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपना हर काम वक्त पर पूरा करते हैं? लोग अक्सर कहते हैं, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा कभी नहीं कहते। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है। ये हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। यदि आप सोचते हैं आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपके मन में हार जाने का डर है, और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने काम पर विश्वास रखिए, और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें ये बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जो लोग समय का सही कीमत जानते हैं वह इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं, और जो समय की कदर नहीं करते वो इसे यूं ही बर्बाद करके अपना भविष्य खराब करते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, ये सब हम सब के लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से नहीं उगता, या बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज्यादा नहीं बरसती है। अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करके या समय को व्यर्थ गवा कर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर देते हैं। यदि आज हम समय की कद्र करेंगे तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारा आज की मेहनत हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, यह हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। आप समय का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी ये ना कहें कि ये काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गवा चुके हो और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे अब बहुत देरी हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजारा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें सजा लेता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ा जाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। अतः आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा तो निराश ना हो, मेहनत करते जाइए, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की जीत होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा, लेकिन समय को जीतना आपको सफल बनाएगा। समय फिर कभी लौट कर नहीं आता, आपको इसका उपयोग करने का केवल एक ही मौका मिलता है। यदि आज आप समय का सदुपयोग करते हैं तो यह आपको कल लाभकारी परिणाम देगा। समय बहुत कीमती है और इसे अच्छे कर्मों में खर्च करने की जरूरत है। समय के मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बदलता रहता है। समय फिर कभी किसी के जीवन में एक जैसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है, उसका सम्मान करता है, वह चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलता प्राप्त करने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें समय का महत्व तब पता चलता है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज कर दिया जाता है। एक सामान्य परिवार समय के मूल्य को महसूस कर सकता है जब उनका अति आवश्यक वाहन कुछ मिनटों के लिए छूट जाता है। समय की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बदलने में सक्षम है। यह एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकता है। समय इतना शक्तिशाली होता है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देती। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। ये समय ही है जो हमें धन खुशी प्रदान करता है। हमें अपने समय का कुछ उपयोगी कामों को करके करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए और कभी भी अपने अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए नहीं टालना चाहिए।
खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोए हुए वैभव पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उचित चिकित्सा या संयम के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा भूली गई विद्या को भी पुनः पाई जा सकती है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह निरंतर गतिशील है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना और भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। धन दौलत को आप जमा करके रख सकते हैं, किंतु समय को नहीं। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी और कामचोर व्यक्तियों का जीवन परिनिंदा, निरुद्देश्य, भ्रमण आदि निरर्थक कार्यों में बीतता है। आलस्य का परित्याग करके समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही साहित्य के रचयिता, राष्ट्र नेता, महान वैज्ञानिक एवं कलाकार बन पाते हैं। धैर्य करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपनी दर्द बताओ वही मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ये सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं को किसी की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, सफल बनाता है। बस यही फर्क है कि हम उस बुरे वक्त में इसे कैसे हैंडल करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में रहने वाला कालिया नाम का एक गीदर भूख से तड़पता हुआ खाने की तलाश में सहरा पहुंचा। उसके शहर में पहुंचते ही कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर दिए, और यही नहीं, शहर के आवारा कुत्ते उसे घेर कर नोचने लगे। कुत्तों के डर से कालिया जान बचाकर भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहला मिला उसमें घुस गया। जिसमें वह गीदर घुसा था वह एक धोबी का मकान था। आंगन में एक बड़ी कढ़ाई में धोबी नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कढ़ाई नीले पानी से पूरी तरह से भरी हुई थी। जब गीदर डरा हुआ मकान के अंदर घुसा तो डर से भागते हुए नीले पानी से भरी हुई कढ़ाई में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग ही बदल गया था, वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया था। नीले रंग में रंगा हुआ कालिया जब जंगल में पहुंचा तो जंगल में रहने वाले सभी जानवर उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने आज तक इस रंग का जानवर नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ और चीते भी डर के जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, ना जाने ये विचित्र जीव कितना ताकतवर होगा, उससे डरने में ही हमारी भलाई है। जब कालिया ने सभी जानवरों को जंगल से डर कर भागते हुए देखा तो उसने उन्हें बुलाकर बोला, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने आज ही मुझे बुलाकर कहा था, आजकल चौपाइयों का कोई राजा नहीं है, सिंह और मृगादि सब राजाहीन है। आज मैं तुम्हें उनका राजा बनाकर भेजता, तू वहां जाकर सबकी रक्षा कर, इसलिए मैं यहां आया हूं। मेरी छत्र छाया में सब आनंद से रहेंगे, मेरा नाम मान सिंह राजा है। यह सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने कालिया नाम के गीदर को अपना राजा मान लिया और बोले, स्वामी हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं, आज से हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कालिया ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आमित्य गीदरों को जंगलों से बाहर निकाल दिया। उसने बात भी नहीं की, वो जानता था बात करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, मैं एक गीदर हूँ। उसके राज्य में शेर आदि छोटे छोटे जानवरों को मारकर कालिया को भेंट किया करते थे। कालिया उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकरों चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन उसका राज्य शांति से चलता रहा, लेकिन एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन कालिया को दूर से गीदरों की किलकारियां सुनाई थी। उन्हें सुनकर कालिया का रोम रोम खिल उठा, खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वह हैरान रह गए कि यह कालिया ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि नीले रंग में रंगा मामूली गीदर है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर आपस में सलाह करने लगे, इस गीदर ने तो हमें मूर्ख बनाया है, इसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। कालिया ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी हैरान रह गया कि उसकी पोल खुल गई, अब जान बचाना भी कठिन है, इसलिए वह वहां से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहां जाता, एक ही छलांग में शेर ने उस ढोंगी गीदर को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो अपनों को नीचा दिखाकर परायों को अपनाता है, उसका आज नहीं तो कल निश्चित ही विनाश होता है। हमारे समाज में सामाजिक एकता और समरसता के महत्व को समझना चाहिए। यदि आज हम अपने समाज के सभी व्यक्तियों को समान नजरिए से नहीं देखते और समर्थन नहीं करते तो कल उन्हें हमारे समाज के लिए कठिनाइयां और नुकसानकारी बना देगा। इसलिए हमें अपने समाज में सभी का सम्मान करना और सहयोग करना चाहिए।